उम्र में शादी? तेरे बाबूजी पागल तो नहीं हो गए? This is too much यार। जानती हूँ बाबूजी ये सब बकवास की कर रहे हैं। माँ को नीचा दिखाने के। लेकिन यार आंटी को घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मामी कहती है कि अपने पति को दांत से बांध कर रखना चाहिए। लेकिन इसमें आंटी की गलती क्या है? अंकल से माफी मांगने के लिए कहा है। यही गलती है शायद। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने ही माँ को फोर्स किया था घर छोड़ने के लिए और अब डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिका, तूने आंटी को कुछ बताया? क्या बताऊं? कैसे बताऊं? It's so humiliating यार। इसी बात का तो डर लगता है। मुझे ऐसे कैसे कर सकते हैं? पता है गोवा में अगर किसी की बीवी उसे छोड़कर चली जाए तो वो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ये तो सरासर ज्यादती है। गलती करो और माफी भी ना मांगो। मैं माँ को लेकर वापस घर चली जाऊँ? तू मैं मैड, इसे तो आंटी को और नीचे गिराएगी। फिर मैं क्या करूँ? अगर बाबूजी ने सचमुच शादी कर ली? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना अभी। हम सब जाके अंकल से बात करेंगे। We have to do something about it. पर क्या अंकल हमारी बात मानेंगे? ट्राई करने में क्या हर्ज है? Don't worry, Malika. हाँ जाए, कब से इंतजार कर रहा था। आरती क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। तो फिर ये मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं कहा ना। नहीं आरती, कोई ना कोई बात तो जरूर है। कब से देख रहा हूँ ना तुम उससे बात करती हो ना कुछ। अरे भाई आखिर हुआ क्या है, बताओगी भी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ, या मेरे पास बैठना नहीं है तुम्हें? आपके पास फुर्सत है मेरी ओर देखने की? अरे वाह भाई वाह, क्या बात कर रही हो। अरे मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा तो किसकी तरफ देखूंगा? रहने दीजिए, सब समझती हूँ। अच्छा क्या समझती हो बताओ ना मुझे। कुछ नहीं। अरे तो कुछ नहीं तो फिर बैठो ना, यहाँ कह रहा हूँ ना तुमसे मैं। मेरे पास समय नहीं है, अंदर बहुत सारा काम पड़ा है। आरती, गुड मॉर्निंग। आरती बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए ना प्लीज बैठिए। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना। अब मेरी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, अब इन्हें चाय नहीं पिलाओगे? नहीं नहीं मैं ले लूंगी। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ करती हैं? अब ये है ना आरती, ये लाएगी ना, जा। हाँ हाँ ला रही हूँ। 24 घंटा मुफ्त में नौकरानी जो मिली है आपको। नहीं आरती बहन बैठिए ना, काम तो होता ही रहेगा। अब ये इतने प्यार से कह रही है तो बैठो। आज क्या खाना पकाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं पका लूंगी। आप चुप रही, इतने साल रसोई में पत्थर पकाकर खिलाती थी आपको? नहीं टिंडे, मैं अपने रसोई में किसी को घुसने नहीं दूंगी। लेकिन मैं तो रसोई में घुसता ही नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सब समझती हूँ मैं। रसोई में फिर धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा, सब समझती हूँ। आरती तुम क्या कह रही हो? आरती बहन आप, बहन मत कहिए मुझे। क्या बहन बहन के साथ ऐसा करती है? कैसा? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। लेकिन मैंने किया क्या है? अपने आप से पूछिए क्या किया है। आरती ये तुम क्या कह रही हो, हो क्या गया है तुम्हें? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं, कुछ अकल नहीं है मुझे। न ढंग से बात कर सकती हूँ, न खाना बना सकती हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता।